जो बोर्डिंग पास था उसकी इंक्वायरी हो चुकी है और अभी एक जाएगी इंडिगो दुबई के लिए जो रेट देख रही है वो इंडिगो की है और अपनी जो एयर इंडिया की है वो इस साइड है। ये चलेगी 6:35 पे AI 947 दिल्ली से दुबई। आंटी जी मिले हैं मुझे चंडीगढ़ से हैं और मेरे साथ ही टोरंटो जा रहे हैं। अंकल जी भी हैं हमारे साथ, अंकल जी वो सामने और वो अंकल जी हैं, हेलो बोल रहे हैं आप सभी को। और आंटी जी के जो बच्चे हैं वो PR है वहाँ पे और सिटीजन है। अच्छा सिटीजन नागरिकता मिल गई है उनको। और आंटी जी और अंकल जी हैं ये PR हैं और 6 महीने हो गए इनको यहाँ आए हुए, तो ये एक बार वहाँ जाके आ रहे हैं। इनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा और इन्होंने भी हमें माँ की तरह अपना प्यार दिया और बोला कि बेटा वहाँ कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो ना तो एक बार हमें मैसेज कर देना। नंबर दे दिया इन्होंने मुझे, तो बहुत अच्छा लगा आंटी जी आपसे। चलो हाँ बिल्कुल। ये खड़े अपना एयर इंडिया का जहाज बोधाहा, बिल्कुल जैसे पंजाब रोडवेज की पुरानी बसें होती थी ना ऐसे ही ये एयर इंडिया के जहाज। बाकी जो एयर इंडिया के जहाज में घूमे होंगे ना उनको पता भी है कि कैसे होती है इनकी सर्विस। बहुत तंग किया इन्होंने मेरे को आज, और जो तंग किया है ना स्पेशल वीडियो डालूंगा उसके बारे में आपको दिखाऊंगा। और अब धीरे धीरे हम जा रहे हैं आगे। ये देख लो जहाज नज़दीक से और ये भीड़ जाने के लिए, सुबह भी देख रहे थे आप। एयरबस A321 ये इंडिगो का खड़ा है, ये भी दुबई जा रहा है, 10 मिनट पहले जाएगा हमारे। एयर इंडिया 6:30 बज गए शाम के, अपनी सीट है 7D। सीट पे बैठ गए हैं और सभी सवारी धीरे धीरे बैठने लग रही हैं अपनी सीट के अनुसार, जहाँ भी जिसी का नंबर है। Or 3-1 service to Dubai. Time to Dubai will be 3:35. Our planned cruising altitude is 32,000 feet. We shall get back to you once we settle in cruise with further details. Thank you. Strip lights will guide you to the nearest exit. Some cases your nearest exit may be behind you. During an evacuation for your own safety and for the safety of others, you are required to leave your hand baggage at the aircraft. चल पड़ा है इकोनॉमी क्लास में लाइफ वेस्ट, लेकिन सीट के नीचे रखी है बिजनेस क्लास में लाइफ वेस्ट, बीच वाले आर्म रेस्ट के कंपार्टमेंट में रखी है। इन इकोनॉमी क्लास लाइफ वेस्ट इज केप्ट अंडर द सीट एंड बिजनेस क्लास लाइफ वेस्ट इज केप्ट इन द सेंटर आर्म रेस्ट कंपार्टमेंट। यदि विमान को पानी पर उतरना पड़े तो लाइफ वेस्ट को सिर के ऊपर से पहने और इसकी बेल्ट को कमर पर बांध लें। अभी हम दुबई पहुंचने वाले हैं और अभी उतरेंगे दुबई में, उसके बाद आगे जाएंगे कनाडा। आंटी जी मिले हमें जालंधर से और अंकल जी, कैसे हो अंकल जी आप?
अच्छे हो, अच्छा महसूस किया आपने एयर इंडिया में? खाना अच्छा था, दूध थोड़ा था क्योंकि जो आकाश है अंकल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आसमान में तो इतना दूध ही बहुत होता है ना अंकल जी। ये आप खिड़की के अंदर से देख रहे हो, दुबई पहुंचने वाले हम और दुबई की जो लाइट है वो जल रही है। ये दुबई का रोड दुबई आने वाला है, ये रास्ते हैं, ये रास्ते क्या हो गया? दुबई में रहो क्या? मैं नहीं, टोरंटो, टोरंटो कनाडा, एयर कनाडा से। अच्छा अच्छा, आपका सारा परिवार आ रहा है आप, है ना? ऐसे भी आएगा, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। और उतर गए हम दुबई में, यहाँ पे इस समय रात के 9:30 बजे हैं। इंडिया से पीछे है ये, अपने यहाँ 11:30 बजे होंगे भारत में, 2 घंटे का फर्क बता रहे थे। और यात्री अभी उतर रहे हैं, सभी उतर जाएंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे और फिर एयर कनाडा में टोरंटो कनाडा की ओर मूव करेंगे। बहुत सुंदर है ये दुबई का भी एयरपोर्ट, और ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक जो रैप है वो चलते हुए उसके ऊपर हम यात्रा करते हुए डेमेक D2 डेमेक हिल्स टू द कम्युनिटी दैट प्रोमिस मोर। और ये मेट्रो आई है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको दुबई की मेट्रो। मेट्रो के अंदर से जाते हुए यात्री देख सकते हो आप, और यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, ये सभी मेट्रो के अंदर जाएंगे। लेकिन देखो कितनी अच्छी सुविधा है, पहले जो सवारियाँ हैं वो दूसरी साइड उतर रही हैं, और जब वो सभी उतर जाएंगे तो जो ये सवारियां हैं ये यहाँ पे चढ़ेंगी इस मेट्रो के अंदर। रात का दृश्य है दुबई में, और शुरुआत उसी शराब से, भिन्न भिन्न प्रकार की शराब यहाँ पे देख सकते हो आप। गिन बैक बोटीजा, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे, बेलीज, जॉन वॉकर, चिवास, रॉयल सैल्यूट लॉस, बाकी जो पीते होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा इनके नाम का। यहाँ शॉपिंग बैग भी दिए हैं, दुबई हैप्पी ईस्टर दुबई ड्यूटी फ्री, ये देखो आप। बियर भी है यहाँ पे, शायद ये बियर ही होंगी नीचे वाली, और ये तो शराब ही है, ड्यूटी फ्री है दुबई में इनकी। ये तो शराब का ठेका है किस्म से। दुबई की ड्यूटी फ्री
कार घर गैस देख सकते हैं आप, ब्लैक ब्यूटी रॉयल ब्लैक। ये ऊपर जा रहे हैं D32 से आगे की ओर, और यहाँ पे देखो रोलेक्स की वॉच में 10 PM। और अब हम टर्मिनल 3 की ओर बढ़ते हुए, कौन से टर्मिनल से चले थे अंकल जी? वन से चले थे ना, बी पे जा रहे हैं। हाँ, बस के अंदर, और ये विदेशी नागरिक हमारे साथ अंकल जी और आंटी जी, और ये अंकल जी फाजिलका से, हाँ पंजाब, ये अंकल जी जालंधर से, आपका पहले भी ब्रिज चेक कराया था आंटी जी, ये भी पंजाब से है ना, एयर इंडिया, और वो भी एयर इंडिया, हर जगह इंडिया है, इंडिया है ना अंकल जी। और हम जाएंगे एयर कनाडा में, ये श्रीलंका का जहाज है, और अब आएगा वो देखते हैं कौन से उस देश का है, कुवैत इंडिया का सबसे नहीं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट, कुवैत और ब्रिटिश एयरलाइन एंड लुफ्तांसा, ये कतर का है, कतर एक देश है, राजधानी दोहा, और ये आगे दीवार। और अब हम एयर कनाडा की ओर आगे बढ़ते हुए, आंटी जी जा रही हैं व्हील चेयर पे, अभी आपने देखा था आंटी जी बहुत खुश हो रही हैं, भगवान इनको ऐसे ही खुश रखे सदा। और नहीं आप याद रखोगे अंकल जी मेरे को, अंकल जी भी बहुत खुश हो रहे हैं। दो बैग चल दिया लेके, बता कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, यही बचा अपने को जिंदगी में, बताओ यार, आ जाओ अब यहाँ व्हील चेयर दे रहे साले। हाँ ये तो अच्छा होगा उसे एयर इंडिया से तो। हाँ ये तो अच्छा ही है, एयर इंडिया भी अच्छा था वैसे तो हमारा। नहीं अच्छा नहीं था वो तो, पंजाब रोडवेज की पुरानी बस पर एक बार बताऊं, बहुत खुली सीट थी यार। हाँ सीट खुली थी, सबसे बड़ा बताऊं। हाँ गंदी सीटें होती हैं, इसकी गंदी हो सके। अच्छा हेलो हाउ आर यू, थैंक यू वेरी मच। और ये एयर कनाडा का स्टाफ स्वागत करने के लिए तैयार है, और ये बहुत ही बड़ा जहाज है जो आप देखने लग रहे हो, मुझे मिली है सीट 42F बीच वाली लाइन में नंबर 2 पे, और अभी कोई पैसेंजर नहीं आया मेरे पास, बाकी जो पैसेंजर हैं अदर्स वो आ रहे हैं, और बहुत बड़ा है ये, अभी आपने देखा भी है कई पोर्शन बना रखे हैं इसके, बिल्कुल, और अच्छा लग रहा है, बस अब ये चल पड़े कहीं ये लुफ्तांसा की तरह ही धोखा ना दे जाए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। दुबई में आए हुए हैं हम, दुबई से चलने की तैयारी है, थोड़ी सी देर में चलेंगे, और अंकल जी और आंटी जी के साथ बैठ गए हम। ठीक हो आंटी जी? बिल्कुल, मजा आ रहा आनंद सफर का, बहुत अच्छा आंटी जी को आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो आंटी जी का इंटरव्यू आएगा, और फिर आप जानोगे कि आप किस स्टार से मिल रहे हो, जल्दी ही आंटी जी के घर जाएंगे कनाडा में, नहीं सरप्राइज देंगे आंटी जी को। हाँ
सरप्राइज में मजा आता है, ठीक है ना। तो जल्दी ही आप बने रहें, आंटी जी का इंटरव्यू माइक के साथ। यहाँ अंकल जी ने आंटी जी का परिचय दे दिया था, लेकिन मैंने अंकल जी को मना कर दिया। तो देखना, आप आंटी जी को आप कितने दिनों से जानते थे, और जब आंटी जी पहली बार आए थे ना कनाडा, तो ये हो गया था। हाँ, क्या हो गया था वो देखने को मिलेगा आपको अपने व्लॉग में, बने रहे। आखिरकार हम पहुंच गए अंकल जी टोरंटो, अनाउंसमेंट कर दी है, और यहाँ का टेम्परेचर दिखा रहा है -3 डिग्री सेल्सियस। और अंकल जी हैं, आप अपना परिचय दीजिए। हमारा बीपी चौहान PR हो गया, मेरे को भी साथ में रखो। बिल्कुल चोर का झटका धीरे से उतर गया जहाज, रोड पे आ गया जहाज भी, हवाई पट्टी के ऊपर। स्पीड तेज है वैसे, धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, और इसको रुकना ही पड़ेगा, है ना अंकल जी? रुकना पड़ेगा ना इसको, रुक गया। सीट बेल्ट कंप्लीट अपनी, और ये पैसेंजर अनाउंसमेंट, अनाउंस पैसेंजर। बाहर का मौसम और ये अपना दोस्त है अफगानिस्तान से, टोरंटो पीआर है। यस पीआर इन टोरंटो, ये कनाडा फ्रॉम अफगानिस्तान, ओल्ड इंडिया बोल सकते हैं। जो हमारे अफगानिस्तान से सब्सक्राइबर हैं, वो भाई को जान पहचान कर सकते हैं, मिल सकते हैं इनसे, हेलो बोला इन्होंने। नहीं, इसको नहीं छोड़ेंगे, ये देखो आप कनाडा के टोरंटो का एयरपोर्ट। अभी हम सीट वो बेल्ट पे चल रहे हैं, और यहाँ खड़े हैं जहाज कोपा एयरलाइंस एयर कनाडा, और ये देखो आप इंटरनेशनल व्लॉग है ये, और ये देखो जहाज चल रहा है, उड़ रहा है, अपनी उड़ान भर रहा है जहाज, और ये हवा में उड़ते हुए जहाज देख लिया आपने। और अब हमने यहाँ से एंट्री किया, जो नहीं एंट्री नहीं एग्जिट किया हमने यहाँ से, और आपने देखा दृश्य, और आगे भी देख सकते हैं आप जो पैसेंजर आए हैं फ्लाइट से, उनका इंतज़ार किया जा रहा है उनके परिजनों के द्वारा, और गले मिलकर वो खुशी मनाते हुए